सेंट्री इंस्पेक्टर एसोसिएशन द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। उन्होंने अपनी मांगों की चर्चा पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उनका विवाद डीपीसी का मसला है जिसे हल नहीं किया जा रहा। बार बार विभाग को इस बारे में अवगत भी कराया गया मगर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पिछली बार साल 2008 में कर्मचारियों को डीपीसी हुई थी मगर 13 साल बीत जाने के बाद डीपीसी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है वो है कि हमारी डीपीसी 2008 के बाद जम्मू में सेंट्री इंस्पेक्टर्स की डीपीसी आज तक नहीं हुई। पिछले 14 साल से हमें ये पता नहीं कि 14 साल से एक कैटेगरी हेल्थ डिपार्टमेंट की सेंट्री इंस्पेक्टर, इनकी डीपीसी क्यों नहीं हो रही। हम पिलर टू पोस्ट आज तक सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, एडवाइज़र साहब, हर एक साहब के दरवाजे पे गए, अपनी अपनी जेन्युइन डिमांड है उनके आगे रखी, उनसे मीटिंग की, उनको रिटन रिप्रेजेंटेशन दी मगर कोई सुनने वाला नहीं है। कल से जो हमारी जेएनके मेडिकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ने कॉल दी हुई है स्ट्राइक की, हम शाना बशाना इनके साथ हैं। कल से हमारी स्ट्राइक है, एक दिन की स्ट्राइक की कॉल दी हुई है। कल शाम को फैसला हो जाएगा कि ये स्ट्राइक कंटिन्यू करनी है या नहीं कंटिन्यू करनी है। मगर बड़े अफसोस की बात है, जो सेंट्री इंस्पेक्टर हैं, जो वाइटल आस्पेक्ट है एक हॉस्पिटल का, क्लिनिनेस का, उसको साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जा रही है आज तक समझ नहीं आ रहा। हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रही है। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.